Praise God. सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं लेकिन सुनकर ऐसे ही करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. सो सुनते सुनते मत सोचिए कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा. जितना ज़्यादा सुनते हैं उतने ही न्याय आपके ऊपर आएगा अगर वो मानते नहीं हैं. और मानने के लिए परमेश्वर अपना दबाव आपके ऊपर नहीं डालेगा. यीशु मसीह सिर्फ सच्चाई को बोलते हैं और मानना सुनने वाले का जिम्मेदारी है. सो आई प्रे दैट गॉड्स वर्ड विल नॉट फॉल ऑन रॉक लाइक हार्ट. सो आज की सुबह मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर का वचन जो है वो कठोर दिलों पर ना गिरे. सो टर्न टू योर बाइबल्स टू द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11. अपने बाइबल को खोले मती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय वर्स 12 उसका 12वां पद. मती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 पद. नो अध्याय 11 12 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं. कौन छीन लेते हैं? बलवान. और क्या छीन लेते हैं? वो नहीं सुना. अरे बाइबल में देखिए अगर आपको याद है. हाँ स्वर्ग स्वर्ग राज बलवान लोग छीन लेते हैं स्वर्ग राज. तो इसका मतलब यह है स्वर्ग राज स्वीकार करने के लिए थोड़ा बल चाहिए, ताकत चाहिए. ये शारीरिक ताकत नहीं, तो किसकी ताकत के बारे में है ये? आत्मा कैसे बलवंत होता है? विश्वास. सो द न्यू टेस्टामेंट एस्पेशली द गॉस्पल्स टॉक अबाउट violent faith. The other translation says the kingdom of God suffers violence. और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य को हासिल करने के लिए हमें बल का बलपूर्वक हमें उसमें प्रवेश करना है. And that means to enter into the kingdom of God we need to have a such a faith which we call violent faith. So परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए जिसमें थोड़ा ताकत और बल इस्तेमाल होता है. So Jesus said. So यीशु ने कहा. The kingdom of God suffers violence. कि परमेश्वर का राज्य जो है उसमें बल इस्तेमाल करना है, शामिल है. Who enters into it? और कौन इसमें प्रवेश करेगा? Violent people. और जो बलपूर्वक लोग हैं. It is talking about violent in faith. और ये बलवंत होना ये शारीरिक तौर से नहीं लेकिन अपने विश्वास में हमें बलवंत होना है. स्वर्ग राज्य में ऐसा आसानी से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है. I want all of you to understand this. Many people think Yeshu Masih ko par vishwas karo aur baptisma lo
और इतवार इतवार आओ आते चलो बस स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं करते हैं। In order to enter into the kingdom of God and live with Jesus forever and ever, eternally, you and I need to have that violent faith. Why violent faith is needed? और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझको चाहिए कि ऐसे बलपूर्वक एक विश्वास हो, और ये क्यों आवश्यक है? Another place, Jesus, Apostle Paul says, एक दूसरे स्थान में पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार कहा, Through many tribulations and trials, we must enter into the kingdom of God. कि बहुत क्लेशों से और परीक्षाओं से गुजर के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है. And these tribulations and trials and difficulties are not small thing. और ये क्लेश और कठिनाई जो है ये कोई छोटी बातें नहीं है. When you stand for Jesus, जब आप यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, हो सकता है your own family will deny you. और ऐसे हो सकता है कि आपके खुद के परिवार के सदस्य आपको इनकार कर दे, आपको छोड़ दे. आप मत सोचे, डोंट थिंक दैट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड आसानी से हो सकता है. सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो बस, ऐसा मत सोचिए. यू हैव टू फेस पर्सिक्यूशन, आपको सताओ का सामना करना पड़ेगा, रिजेक्शन और तिरस्कार का. एंड इवन नाउडेज आवर गवर्नमेंट व्हाट यू नो दे इवन स्टॉप प्रमोशंस फॉर गॉड्स पीपल. और आज के जमाने में जो हमारा सरकार जो है वो परमेश्वर के लोगों के जो तरक्की होता है, प्रमोशंस होते हैं, उसको भी रोक देते हैं. एंड सिंपली बिकॉज वन फेलो वाज प्रेइंग ही वाज ब्रॉट अंडर डिसिप्लिन इन वन ऑफ आवर आर्मी प्लेस. और हमारे सेना में एक विश्वासी है, वो क्योंकि सिर्फ अपना प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए उनको अनुशासन में कर दिया. That is the world in which we live. और यही है जिस संसार में हम जी रहे हैं. Because the one thing, one faith that the whole world is against is the faith of the Lord Jesus Christ. क्योंकि यही एक विश्वास जिसको पूरा दुनिया जो है इसके विरोध में उठता है वो मसीही विश्वास है. Now in order to overcome all that, और इन सब से ऊपर बढ़ने के लिए, you need no ordinary faith but violent faith. ऐसे साधारण सा विश्वास नहीं चलेगा, आपको बहुत सख्त एक बलवंत विश्वास होना चाहिए. That's why Jesus says the violent people shall enter into the kingdom. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बलवंत लोग जो है वही प्रवेश करेंगे. And those who possess violent faith, और वे जो ऐसे विश्वास को प्राप्त करते हैं, it is not an easy the kingdom. Don't think kingdom of God is such a small thing that you can easily get it. और आप ये ना सोचे कि परमेश्वर का राज्य इतना साधारण सी बात है और हम आसानी से उसमें प्रवेश कर लेंगे. So my question to you is, तो मेरा सवाल आपके लिए ये है, how violent is your faith? कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, कितना बलवंत है? Against you, the world will exercise violence. क्योंकि आपके विरोध में ये संसार जो है वो अपने बल को प्रयोग करेगा. And that means your faith has to be more violent, stronger than the violence of this world. So इसका अर्थ यही है कि आपका जो विश्वास है, आपका जो बल है, वो इस संसार के बल से भी ताकतवर होना चाहिए. We don't use any war weapon or destructive weapon or knife or guns or anything. और इस बल के लिए हम अपने शरीर या इस संसार के जो हथियार हैं, ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं. To compete with the violence that comes against you from this world. संसार से हमें विरोध मिलता है और जो सामना करना पड़ता है, हम इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. You are driven out of your home. आपको अपने घर से निकाला जाता है. Your friends will reject you. आपके मित्र आपको छोड़ देंगे. The wealth will be taken away from you. और जो धन है आपसे छीन लिया जाएगा. Your promotion will be stopped. और जो तरक्की है आपका रोक दिया जाएगा. And you will be harassed
everywhere. और हर प्रकार से आपको परेशान किया जाएगा. And you will be tired and you give up your faith. और कुछ दिनों के बाद आप थक जाते हैं और ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने विश्वास को खो दें. And the world will use worldly weapons like guns and knife and rod to beat you up because of your faith. और ये संसार जो है ऐसे सांसारिक हथियारों को जैसे बंदूक या छुरी या ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपके विरोध में. And you as a follower of Jesus Christ don't carry even a kitchen knife with you. लेकिन आप जो यीशु मसीह के अनुयायी है आपके पास वो रसोई का चाकू भी नहीं होगा. The only weapon you must exercise is your faith in the Lord Jesus Christ. सिर्फ एक ही हथियार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा विश्वास है जो कि यीशु मसीह के ऊपर है. And those of you who work in the secular offices. और आप में से जितने लोग इस संसार में दफ्तरों में काम करते हैं. Sometimes laws can be against your faith. और कभी-कभी ऐसे कानून होते हैं जो आपके विश्वास के विरोध में होते हैं. Sunday is the time when we believers get together and gather together. रविवार वो दिन है जब हम विश्वास इकट्ठे होते हैं, कलीसिया में आते हैं. And nowadays, what is happening? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? All the important test, entrance test, and that test, this test, are always on Sunday. और जितने भी परीक्षाएं होते हैं, बड़े-बड़े entrance test होते हैं, वो सब रविवार के दिन होते हैं. And previously, those who give coaching, they usually close on Sunday. But these days, Sunday is the most important coaching. और पहले के जमाने में जो coaching वगैरह होते थे, वो रविवार के दिन बंद करते थे. लेकिन आजकल रविवार के दिन ही ये लोग खोलते हैं और coaching चलाते हैं. You want your children to be the best in the class. और आप चाहते कि आपके बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत अच्छे तरीके करें. So what do you do? You send your children. So हम अपने बच्चों को भेजते हैं. And Sunday is a very important. और रविवार बहुत विशेष दिन होता है. Your student child cannot absent himself. और आपका बच्चा जो है वहाँ coaching से मना नहीं कर सकता है. So what do you do? So आप क्या करते हैं? Dress him up and send them for coaching, and you alone come to church. और आप बच्चों को coaching भेज देते हैं और आप लोग कलीसिया में आते हैं. In order to overcome all that. और इन सब के ऊपर जय पाने के लिए. What kind of faith you need to have? किस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए? Your faith will say, आपका विश्वास कहेगा, अरे चलो ये आजकल ऐसे ही है तो हम क्या करेगा, यू नो, परमेश्वर जानता है सब कुछ. परमेश्वर जानता है, मालूम है क्या परमेश्वर जानते हैं? परमेश्वर ये जानते हैं कि आपका विश्वास क्या आइस के तरह है, पानी में डालो वो ऐसे ही चले जाएगा. खोखला है. आ? खोखला है. Don't think that kind of faith is going to help you. इस प्रकार का विश्वास जो है आपको कोई सहायता नहीं करेगा. Do you have a violent faith? क्या आपके पास एक मजबूत एक विश्वास है? To resist that? कि इसका सामना करें. And trust your God. और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें. My child may miss Sunday coaching. हाँ, मेरा बच्चा जो है संडे को रविवार के दिन कोचिंग नहीं जाएगा. I will not send my child. हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे. I will take him with me. हम अपने साथ उसको कलीसिया में ले जाएंगे. And we are going to trust our God to bless my child with the best mark. और हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि मेरा बच्चा जो है अच्छे नंबरों से पास होगा. Do you have that kind of faith? इस प्रकार का विश्वास है? That is actually ordinary faith. ये तो बल्कि एक साधारण सा विश्वास है. But what will you do when the whole nation comes against your faith? लेकिन क्या होगा अगर मान लो पूरा राष्ट्र जो है आपके विश्वास के विरोध में आ जाए? And what will happen? What kind of faith you have? Do you have the faith strong enough to resist the temptation to use your talents and abilities for the world and get money? और क्या आपका विश्वास ये कहता है कि हम अपने जो योग्यताएं हैं जो तोड़े हैं हम संसार के लिए इस्तेमाल करके हम उससे पैसा कमाएंगे? Is that your faith? क्या इतना ही आपका विश्वास है? Or your faith will say, या फिर आपका विश्वास कहेगा, the world may give me ₹1,000,000 each month. हो सकता है ये संसार जो है मुझे 10 लाख रुपए एक महीने में दे दे. But I will not go.
लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। I'll use my talents for my God। मैं सिर्फ अपने तोड़े को, अपने योग्यताओं को परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। I will use my abilities for the kingdom of God। मेरे योग्यताओं को मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। What kind of faith you possess? किस प्रकार का विश्वास है आपके अंदर? I give you an example। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। In our LDA church on Kanpur Road, कानपुर रोड में हमारे एलडीए के कलीसिया में, There is a brother। वहाँ पर एक भाई विश्वासी है। He is not a rich man। वो धनी व्यक्ति तो नहीं है। Very ordinary man। बहुत साधारण व्यक्ति है। He is one of the porters in our airport, Lucknow airport। हमारे जो लखनऊ एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वहाँ पर कूली का काम करता है। He has his children। उनके अपने बच्चे हैं। And a family। परिवार है। And whatever income he has from there, you know, he, that is what his income is. और जो भी आमदनी वहां से मिलता है, बस वही उतना ही रहता है उनके पास. But he never goes to airport on Sunday. लेकिन वो कभी भी अपने नौकरी पर, हवाई अड्डे पर रविवार के दिन नहीं जाएगा. One day a week is a chutti day, so everybody is entitled for that Sunday. He will not go. और सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, तो वो रविवार के दिन लेता है। One day his immediate boss was very drunk and he was in the office। और एक बार ऐसा हुआ कि उनके ऊपर जो मालिक थे, वो अपने दफ्तर में थे और उस समय पिए हुए थे। It happened very recently। और हाल ही में ये बात हुआ। And he was very upset and angry with this brother। और ये मालिक जो है, इस भाई से बहुत नाराज थे। And he called him to his office। So उन्होंने उनको अपने दफ्तर में बुलाया। Where are you on Sundays? कि रविवार के दिन तुम कहाँ जाते हो? We don't see you here। हम तुमको देखते नहीं हैं यहाँ पे। And he told him, I go to my church। So इस भाई ने कहा कि मैं अपने कलीसिया में जाता हूँ। Church? कलीसिया? Why should you go to church? तुम क्यों गिरजे में जाते हो? He got very angry with him। और वो बहुत गुस्सा हो गया। And at the end, I don't remember the details, but at the end, this fellow said, "Now the tag that you hang around your neck, he said, remove that, keep it on this table, you go out." अंत में क्या हुआ कि ये मालिक जो है, इस भाई से कहा, जो नेम टैग वो पहनते हैं, बोला इसको उतार कर मेरे मेज पर रखो और तुम चले जाओ। Before that he said, you must be present every Sunday also, the morning and all that। उससे पहले मालिक ने बोला था कि तुम्हें रोज आना है, रविवार के दिन भी आना है। And he told him, और इस भाई ने उनसे कहा, I will never come on Sunday, कि मैं रविवार के दिन बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ। Not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, Once in a while we have special prayers in our church। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे कलीसिया में विशेष सभा होते हैं। I will take छुट्टी and go for that prayer meeting। मैं छुट्टी लेकर उन सभाओं में भी जाऊंगा। I will not miss any prayer meeting or anything। एक भी प्रार्थना सभा मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। And that was the time when he said, remove the tag, keep it on my table, walk out। और जब ऐसे कहा, तभी मालिक ने कहा कि अपने टैग को यहाँ रखो और चले जाओ। And he removed it, kept it on the table, and he walked out। So इस भाई ने वैसे ही किया, अपने नेम टैग को उतार के वहां से बाहर चले गए। What is that faith? ये विश्वास क्या है? That is the violent faith। यही मजबूत विश्वास के विषय में मैं बता रहा हूँ। He came back and shared this with his pastor। और ये भाई वापस आए, अपने पासवान को इस घटना को बताया। And they prayed। उन्होंने प्रार्थना किया। And he said, I will never go back until the big boss calls me and appoint me again। Yeah। और इस भाई ने कहा कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब से इस मालिक से भी ऊपर जो मालिक है, जो बड़े मालिक है, वो हमें ना बुलाते हैं और मुझे रखते नहीं। So after 2-3 days, so दो तीन दिनों के बाद, this बड़ा साहब, बड़े साहब ने बुलाया। He was missing this man। और वो देख रहे थे कि ये व्यक्ति दो तीन दिन से नहीं आ रहे हैं। And
So he made some inquiries. So उन्होंने पूछताछ किया. And he was told that this is what happened. और उनको बताया गया पूरी बात. You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? That big boss. वो बड़े साहब ने. Called him over the phone. उनको फोन के ऊपर बुलाया. And asked him to come and join the duty. और उनसे बोला कि तुम आओ और अपने ड्यूटी को ज्वाइन करो. And this brother told him. और इस भाई ने उनसे कहा. Sir, I was ordered to get out because I go to church. कि सर ऐसा हुआ कि मुझे आज्ञा दिया गया कि यहाँ से छोड़ दो क्योंकि मैं कलीसिया में जाता हूँ. And his big boss told him. और बड़े साहब ने कहा. You go to church or prayer meeting anything, but I want you to. तुम प्रार्थना सभा में जाओ, कलीसिया में जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ड्यूटी आके ज्वाइन करो. How many of us have that kind of? हम में से कितने लोग ऐसे विश्वास को रखते हैं? Is violent faith. और यही है बलवंत एक विश्वास. And kingdom of God is not about eating and drinking and dressing up. और परमेश्वर का राज जो है वो सिर्फ खाना पीना और पहनना नहीं है. The kingdom of God is in power. परमेश्वर का राज जो है वो सामर्थ का है. Violent faith. बलवंत विश्वास. What is this violent faith? ये बलवंत विश्वास है क्या? Violent faith is the faith which refuses to quit. ये ऐसा विश्वास है जो कभी भी हार नहीं मानता है. Discouragement will come. चाहे निराशापन आए. But you will not quit. लेकिन आप हार नहीं मानते. Rejection will happen. तिरस्कार होगा. But you will not quit. लेकिन आप हार नहीं मानेंगे. And your properties will be taken away. और आपका जो वस्तुएं हैं वो सब छीन लिए जाएंगे. You will not quit. लेकिन आप हार नहीं मानेंगे. You will be beaten up. आपको मारा जाएगा. But you will not quit. लेकिन आप हार नहीं मानेंगे. And you will be ridiculed. और आपको आपका ठट्टा उड़ाया जाएगा. And harassed every day. और हर दिन परेशान किया जाएगा. But you will not quit. लेकिन आप हार नहीं मानेंगे. You will continue to remain faithful to your God and honor Him. आप लगातार अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने रहेंगे. It is the faith which gets what you need. ये ऐसा विश्वास है जो हासिल करता है उन बातों को जो आपकी जरूरत है. So this violent faith is needed to live your Christian life. So बलवंत विश्वास की आवश्यकता है अपने मसीह जीवन को जीने के लिए. The violent faith also is needed for you to get from God what you need. और ऐसा विश्वास जरूरत है कि आप अपने परमेश्वर से हासिल कर ले उन चीजों को जो आपकी जरूरत है. And those who exercise violent faith will never go back empty. और वे लोग जो इस प्रकार के विश्वास को करते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते. हालेलुया, हालेलुया. Like this brother, इस भाई के इस तरह, he exercises violent faith. उन्होंने अपने विश्वास को उन्होंने अभ्यास किया. हालेलुया, हालेलुया. That is the faith I am talking about. और इसी प्रकार के विश्वास के विषय में. And when you pray for certain blessing. और जब आप किन्हीं आशीषों के लिए आप प्रार्थना करते हैं. When you exercise that violent faith. और इस प्रकार के विश्वास को आप लगाते हैं. Never quitting or giving up. कभी हार नहीं मानते. But continue to trust God. लेकिन लगातार आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं. You will be filled with His blessing. आप हमेशा उनके आशीषों से आशीषित होंगे. Violent faith is the faith which overcomes all and any obstacles that you meet on the way. और बलवंत विश्वास ऐसा विश्वास है जो रास्ते उस मार्ग में चाहे जितने भी रुकावटें हैं उसके ऊपर आप विजय पाकर जाते हैं. Violent faith is the faith that overcomes and defies all rules and existing laws which may try to stop you. ये ऐसा विश्वास है जो चाहे रास्ते में जितने भी रुकावटें आए, नियम आए, कानून आए, जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, आप उसके ऊपर विजय पाकर जाते हैं. It is a faith which defies protocol and order and that rule and this rule. और ये ऐसा विश्वास है जो इसके विरोध में जाता है, जो जो स्वाभाविक तरीके हैं और जो कानून है. And you will go on and go ahead
refusing to yield to pressures to give up. और चाहे जितना भी दबाव आ जाए आपके ऊपर परमेश्वर के नियम को तोड़ने के लिए आप फिर भी उसके विरोध में जाएंगे. No matter how long. चाहे जितने दिन लगे. Because you know God may sometime test the violence of your faith. क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी-कभी आपके विश्वास को परखता है. It is a faith that receives much more than you are actually asking. और ये एक ऐसा विश्वास है जो जिससे आपको वो प्राप्त होगा उससे बढ़कर जिसको आप मांगते हैं. It is the kind of faith that a woman experienced who was praying for his very wretched and sinner husband. और ये एक ऐसा विश्वास है उस स्त्री के बारे में जो अपने जो दुष्ट जो पति था और जो बहुत बुरा एक पति था उसके लिए रोज प्रार्थना करती थी. She prayed for 50 years for her husband. अपने पति के लिए लगभग 50 वर्ष उन्होंने प्रार्थना किया. So that means they are old couple. So वो बहुत बुजुर्ग एक पति पत्नी हो गए. 50 years she prayed. 50 वर्ष उन्होंने प्रार्थना किया. But never the answer came. लेकिन कभी भी उत्तर नहीं आया. But she would not give up. लेकिन उन्होंने हार नहीं माना. One day he became the old man became very sick. एक दिन ये बहुत बीमार हो गए. And he was taken to the hospital. उनको अस्पताल ले जाया गया. But he could not survive. लेकिन वो पति जो है बचा नहीं. He died. उनका मृत्यु हो गया. His body was laid in a separate, you know, in America and foreign countries they take care of even the bodies very well. और बाहर के देशों में जो शव है उनका भी बहुत अच्छे से देखभाल होता है. So her body was taken to that particular room where they usually take the dead bodies and put the body on a bed and cleaned him up and covered the body with the white sheet. और उस शव को उस एक कमरे में ले जाया गया उसको उसको साफ किया गया और एक सफेद चादर से उसको ढक दिया गया. And usually even the wife cannot enter into that room just like that. और अक्सर ऐसे होता है कि पत्नी जो है फिर उसके बाद उस कमरे में नहीं जाना चाहिए. But they called the wife at home. लेकिन फिर उन्होंने उस पत्नी को फोन किया. Your wife is dead. आपके पति मर चुके हैं. Your husband died. आपके पति मर चुके हैं. And you please make arrangement for. और आप तैयारी करें, इंतजाम करें उसको दफनाने के लिए. And she said over the phone. और इस पत्नी ने फोन के ऊपर इस बात को कहा. I don't believe my husband is dead. कि मैं विश्वास नहीं करती कि मेरा पति मर चुका है. I am coming. मैं आ रही हूँ. So she went to the hospital. So वो गई अस्पताल में. And she immediately wanted to go to the room where the dead body was kept. और वो जाना चाहती थी उस कमरे में जहाँ पर ये शव था. They thought hearing this news, her mind may have gone. और वहाँ के लोगों ने सोचा कि इस खबर को सुनते ही कि इनका दिमाग खिसक गया है. She said, I want to go to the room. और उन्होंने बोला कि मैं उस कमरे में जाना चाहती हूँ. They refused immediately. और उन्होंने मना कर दिया. And he said, he is my husband and I want to go. लेकिन इस स्त्री ने कहा कि ये मेरा पति है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ. And she went into the room. और वो उस कमरे में गई. They all thought, I don't know, they did not know what she was going to do. और वो सब सोचने लगे अब ये क्या करने जा रही है. But she told them, I have been praying for my husband for 50 years. लेकिन फिर इस स्त्री ने कहा उनसे कि मैं अपने पति के लिए 50 वर्षों से दुआ कर रही हूँ. For his salvation. उसके उद्धार के लिए. So that when he dies, he will go to be with the Lord. ताकि जब वो मरे तब वो प्रभु के पास जाने पाए. So I want to go in. So मैं अंदर जाना चाहती हूँ. I want to pray for him. और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ. What to do? She is the wife, so they allowed. अब क्या करे? वो पत्नी है तो उन्होंने अनुमति दिया. ठीक है जाओ. She went inside. वो अंदर गई. And saw the body covered with a white sheet. और देखा कि उनके पति का जो लाश है वो सफेद चादर से ढका हुआ है. She knelt. वहीं पर उन्होंने घुटने को टेका. And she began to talk to the Lord. और वो परमेश्वर से बातें करने लगी. She said, Lord.
उन्होंने कहा प्रभु यू आर अ फेथफुल गॉड आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं यू आर अ वंडरफुल लविंग फादर आप एक अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हैं आई एज योर डॉटर हैज बीन आस्किंग यू फॉर 50 इयर्स टू सेव माय हस्बैंड और मैं आपकी जो बेटी हूं पिछले 50 वर्षों से मैं प्रार्थना कर रही हूं कि आप इनको बचाएं शी डिड नॉट टेल द लॉर्ड Why did you take him away? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि आप क्यों मेरे पति को ले गए? But she said. लेकिन उन्होंने कहा, I don't believe that you would take my husband away from this world without answering my prayer first. लेकिन इस बात को कहा कि मैं विश्वास नहीं करती कि मेरे प्रार्थना के उत्तर दिए बिना आप मेरे पति को ले जाएंगे. So here I am, Lord. So प्रभु मैं यहाँ पर हूँ. Glorify your name. अपने नाम को महिमा दे. And as she prayed, और जबकि वो प्रार्थना कर रही थी, she worshipped, और आराधना किया, something happened. कुछ हुआ. A brilliant, bright light broke the ceiling. I don't mean broke physically, but you know what it means. And it descended upon the face of this man. और एक सफेद रोशनी जो है वो छत में से ऐसे लगा कि छत को फाड़ के वो नीचे इस शरीर के ऊपर आया एंड इमीडिएटली शी नोटिस मूवमेंट बीनीथ दैट बेडशीट और अचानक उन्होंने देखा कि उस चादर के नीचे कुछ हलचल हो रहा है एंड शी अनकवर्ड और इस पत्नी ने वो चादर को हटाया एंड हियर ही इज Fully alive. और उन्होंने देखा कि उनका पति जो है बिल्कुल जीवित हो गया. And both of them knelt there. वहीं पर दोनों जन घुटने टेक कर. And there he surrendered. और वहाँ पर इस पति ने अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दिया. That is a violent faith. यही विश्वास है मजबूत बलवंत विश्वास. Violent faith will not give up. एक ऐसा विश्वास जो कभी हार नहीं मानता. If you know your God, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, you will not give up. आप हार नहीं मानेंगे. That's why I said, it is a faith that receives from God much more. Than what you ask. और इसलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसा विश्वास है जिससे आप वो प्राप्त करोगे उससे बढ़कर जो आपने मांगा है. Don't tell God when he has to do it, how he has to do it. परमेश्वर से ये ना कहे कि कब उनको करना है, कैसे करना है. What you have to do. क्या करना है. No. नहीं. You don't even tell him as a command. और एक आज्ञा के रूप में भी आपको नहीं कहना है. He will do what he knows he must do and when he will do. परमेश्वर जानते हैं कि उनको कब क्या और कहां करना है. And when he does it. Something, और जब परमेश्वर करते हैं, it will be much more than your expectation. आपके आशाओं से बढ़कर वो होगा. Hallelujah. Hallelujah. How can you have such a faith? इस प्रकार का विश्वास आप कैसे पा सकते हैं? You know, in the Bible there are few examples where people, men and women, exercise such violent faith. और बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के विश्वास को अभ्यास करते हैं. Defying and ignoring all kinds of protocols and rules and laws. हर प्रकार के तरीकों को और कानूनों को उसके विरोध में जाना. Jacob in Genesis chapter 32 is one of the first people who exercised that violent faith. उत्पत्ति के 32 अध्याय में हम पाते हैं कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इस प्रकार के विश्वास को अभ्यास किया. You know, there was God coming and having a wrestling match which आप जानते हैं उस घटने को कि परमेश्वर स्वयं आए और याकूब के साथ एक कुश्ती को लड़े. It is not that the angel of the Lord could not defeat him. The angel of the Lord could
kill him by the breath of his mouth. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का दूत उसको हरा नहीं पाया. एक एक ही एक हवा से वो याकूब को हरा सकते थे. But Jacob was a chosen vessel. लेकिन याकूब जो था वो एक चुना हुआ एक पात्र था. God had a great plan in his life. पर उसके जीवन के लिए परमेश्वर का एक बड़ा योजना था. But there was something hindering in him that was blocking the blessings of God. लेकिन याकूब के जीवन में कोई ऐसे बात थी जो उसका जो एक रुकावट बन गया था इस आशीष के लिए. So God had to deal with it. So परमेश्वर को उसके विषय में कुछ करना था. Therefore God came down in the level of Jacob. इसलिए परमेश्वर याकूब के उस स्तर पर उतर आया. And started wrestling with him. और उसके साथ कुश्ती लड़ने लगा. And allowed Jacob to overcome him. और अनुमति दिया कि कुछ देर तक याकूब उसके ऊपर विजय पाए. And then the angel of the Lord crippled him. फिर उस परमेश्वर के दूत ने याकूब को लंगड़ा कर दिया. How? कैसे? By touching the hip bone and dislocating the disc. और उसके कमर के हड्डी को छूकर उसको डिसलोकेट कर दिया. Now you know the power of God. अब आप जानते हैं परमेश्वर का ताकत. And then he could not fight. फिर वो लड़ नहीं पाया उसके आगे. He could not even stand. वो खड़ा भी नहीं हो पाया उसके बाद. He could not sit. वो बैठ नहीं पाया. I don't know how he managed to cling on to God. मैं नहीं जानता कि वो कैसे उस दूत को पकड़ा रहा. He could only cling on to him. वो सिर्फ उसको जोर से पकड़ा रहा. Then the angel said, "Leave me, Jacob. I want to go." फिर दूत ने कहा कि याकूब मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है. Jacob said, याकूब ने कहा, "I will not leave you." मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. Until you bless. जब तक आप मुझे आशीष ना दे. Hallelujah. Hallelujah. Until you bless me. जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा. If you want to go, you go, but you'll have to drag me behind you. अगर आप जाना चाहते हैं, आप जाए, लेकिन मैं आपको पकड़ के ही रखूंगा. How long it is going to take? और कितना समय लगेगा? I don't care. मुझे कोई परवाह नहीं. It may take another day. हो सकता है एक और दिन लग जाए. It may take 2 months. हो सकता है 2 महीने लग जाए. Or 2 years. या 2 वर्ष लग जाए. But I will not leave you unless you bless me. लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीष ना दे. That is violent faith. यही बलवंत विश्वास है. And then there is in the New Testament, in the ministry of Jesus, there was a woman with a problem of issue of blood. फिर यीशु मसीह की सेवकाई में एक स्त्री थी जिनका रोग बहने का एक बीमारी था. For 12 years, और 12 वर्षों तक, she was losing blood. वो उस लहू को खो रही थी. For 12 years, 12 वर्षों तक, she went all the doctors she knew. वो जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास गए. All of them extorted money from her. और सब लोग ने उनसे पैसा ले लिया. But she only became worse. लेकिन उनका हालत और भी बिगड़ता गया. But then she heard that Jesus was coming on her way. फिर उन्होंने सुना कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं. But then everything was against her. लेकिन फिर सब कुछ उस स्त्री के विरोध में था. First of all, the law was against her. सबसे पहली बात कानून जो है वो उनके विरोध में था. She was a Jewess. वो एक यहूदी स्त्री थी. And according to the Jewish law, और यहूदी कानून के अनुसार, given by God himself, जो परमेश्वर ने स्वयं दिया था, any person with an issue of blood will be considered as an unclean person. जो भी व्यक्ति जिनको ऐसे लहू बहने का कोई रोग है, वो एक अशुद्ध व्यक्ति है. Such a person was not allowed to appear in public. और ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वो लोगों के बीच में आए. Because anyone she touches will also become unclean. क्योंकि जिसको भी वो स्त्री छुएगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा. Or anyone will touch her, that person also. और कोई दूसरा व्यक्ति उसको छू दे वो भी अशुद्ध हो जाएगा. Even unknowingly. और बिना जाने भी. And even things, a table, a chair can become unclean if she touches that table and sit on it. और कोई भी अगर वस्तु हो, चाहे मेज हो या कुर्सी हो, अगर ये स्त्री उसको छू दे, वो वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगा. So she was not supposed to be in public. तो ये अनुमति नहीं था कि ऐसे लोगों को वो लोगों के बीच में आए. But she defied the law. लेकिन इस स्त्री ने कानून को ना माना. Then the crowd was against her. फिर वो बड़ा भीड़ जो है वो उसके विरोध में है. The crowd seeing her an unclean person will never allow to come anywhere near. लोग जो है उनको देखकर अगर वो जानते कि ये ऐसा व्यक्ति है वो कभी उनको अनुमति नहीं देंगे पास आने के लिए. She didn't care.
लेकिन इस स्त्री ने परवाह नहीं की। फिजिकल कंडीशन वाज अगेंस्ट हर। उनका शारीरिक स्थिति जो है वो उसके विरोध में था। यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन हु लूजेस हर ब्लड फॉर 12 लॉन्ग इयर्स। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लहू को 12 वर्षों तक खो रही है। शी वाज वीक। वो कमजोर थी। शी डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू क्रॉल थ्रू द क्राउड। और उनके पास इतना ताकत नहीं था कि बड़े भीड़ से के बीच में वो जाए। But she defied that law. लेकिन उससे भी उसके भी विरोध वो गई। She said, उन्होंने कहा, within her, अपने अंदर कहा, if somehow, किसी तरह, if I could get behind this Jesus, अगर मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं, without even him looking at her, और वो जरूरी नहीं है कि वो मुझे देखे, if I touch. मैं सिर्फ अगर उसके कपड़ों को छू दूं, I will be healed. तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She did not say I may be healed. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हो सकता है मैं चंगी हो जाऊं। There is a possibility of एक संभावना है। No. नहीं। He said I will be healed. उन्होंने कहा कि मैं चंगी हो जाऊंगी। She was that certain. और इतना निश्चय उनके अंदर था। And her faith was so violent. That it overcame the law and overcame the crowd and overcame her own physical condition. और उनका विश्वास जो है इतना मजबूत था कि कानून के विरोध में, लोगों के विरोध में, अपने खुद के शारीरिक स्थिति के विरोध में आकर, that's what she did. स्त्री ने ऐसे किया। She went back from that place completely and perfectly healed and healthy. और उस स्थान को जब छोड़ के गई तो बिल्कुल चंगी होकर, अच्छे स्वस्थ में होकर वहां से निकली। Until that day, she was dragging herself. उस दिन तक वो अपने आप को किसी तरह घसीट रही थी। But after she touched Jesus' garment, लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के बाद, she went how? वो कैसे गई वहां से? Dancing. नाचते हुए, सिंगिंग, गीत गाते हुए, praising God, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, दैट इज वायलेंट फेथ, और यही बलवंत एक विश्वास है। हाउ इज योर फेथ? आपका विश्वास कैसा है? वी विल नॉट डू एनीथिंग दैट वी नो इज अगेंस्ट गॉड्स विल। और अगर हम जानते हैं कि कोई बात परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है, हम उस काम को नहीं करेंगे। No matter what it is going to cost. चाहे उसके लिए हमें कीमत कुछ भी क्यों ना चुकाना पड़े। That is violent faith. यही बलवंत विश्वास है। And then there is this woman in Matthew Gospel chapter 15. और फिर ये स्त्री है मत्ती उसके 15वें अध्याय में। Canaanite woman. कनानी स्त्री। She came on behalf of her afflicted daughter. और वो अपने बेटी के तरफ से आई। And when she came to Jesus. जब वो यीशु के पास आई, requesting him to heal her daughter, विनती करते हुए कि मेरी बेटी को ठीक कर दे, and the answer Jesus gave, और जो उत्तर यीशु ने दिया, was such an answer, ऐसा एक उत्तर था, it was almost telling her you are like dog, you, ऐसे लगा कि यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि तुम कुत्ते हो। What would you have done? You would have. अगर आप उस स्थान में होते, आप क्या करते? You would have cursed Jesus and tell everybody. यीशु मसीह को श्राप देते और हर एक को बोलते रहते। But she didn't. लेकिन इस स्त्री ने ऐसे नहीं किया। When she heard that. जब इस स्त्री ने इस बात को सुना। She came closer to Jesus. वो और भी यीशु के पास आई। And knelt down. और अपने घुटनों को टेकी। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? She began to worship him. वो उसकी आराधना करने लगी। Jesus said, "My bread belongs to my children." यीशु ने कहा कि ये रोटी, मेरा रोटी जो है वो मेरे बच्चों के लिए है। Referring to Jewish people. और यहूदी लोगों को के लिए बताते हुए। They are my people. कि ये मेरे लोग हैं। She came closer to her. लेकिन ये स्त्री यीशु के पास आई। And worshipped him. उसकी आराधना किया। And telling Jesus. यीशु को बताया। I am also your worshipper. मैं भी आपकी आराधक हूँ।
Okay, you don't consider me as your own daughter. ठीक ही आप मुझे अपना बेटी नहीं समझते हैं. You consider me as a कुत्ता. एक कुत्ता ही समझ लीजिए. But even कुत्ता has the right to eat the crumbs that fall on the ground. लेकिन कुत्ते भी जो मेज से रोटी गिरता है, कुत्ते भी उस रोटी को खा सकते हैं. That's all I want. हमें सिर्फ वही चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. That is violent faith. यही बलवंत विश्वास है. Violent faith refuses to give up. ऐसा विश्वास जो कभी हार नहीं मानता. What was the outcome? उसका परिणाम क्या हुआ? She went back and saw her daughter. वो वापस गई और देखा उनकी बेटी बिल्कुल चंगी हो गई है. Violent faith. बलवंत विश्वास. Violent faith. बलवंत विश्वास. That honors God for what He is. और परमेश्वर को आदर देते हैं. And then there is one more I want to mention. एक और व्यक्ति है. There is a man by the name of Zacchaeus. एक व्यक्ति है जिनका नाम जक्कई. You remember him? आपको याद है? Zacchaeus. जक्कई. नाटा. नाटा व्यक्ति था. नाटा व्यक्ति. But he was an officer, income tax officer. लेकिन वो इनकम टैक्स का अफसर था. Serving under Roman government. रोमी सरकार का एक कर्मचारी था. And sitting there. और वहाँ पर बैठे. He took good advantage of taking as much bribe as possible. उन्होंने बहुत लाभ उठाया, जितना घूस ले सका वो so उन्होंने लिया. So he also became a millionaire. और वो भी एक करोड़पति हो गया. He was very rich. बहुत धनी व्यक्ति था. But he was short. लेकिन नाटा व्यक्ति था. But he was a Jew. लेकिन वो एक यहूदी भी था. And because being a Jew, he sold himself to the Roman power. यहूदी होने के नाते उन्होंने अपने आप को बेच दिया रोमी सरकार को. The Jewish community rejected him. तो यहूदी समुदाय जो है उनको तिरस्कार किया. They considered him as a sinner, as a hopeless fellow. और जो यहूदी लोग थे वो इस जक्कई को एक पापी व्यक्ति, एक बहुत दुष्ट व्यक्ति मानते थे. So no Jewish person will have anything to do with. So कोई यहूदी व्यक्ति जो है इस जक्कई के पास नहीं जाता था. They hated him. वो उससे घृणा करते थे. But then he heard about this Jesus. लेकिन फिर जक्कई ने यीशु मसीह के विषय में सुना. And he heard and heard and heard. और सुन सुन के. He raised a curiosity in him. उनके अंदर एक इच्छा पैदा हो गया. अरे, I am hearing about this. अरे, मैंने इस व्यक्ति के विषय में बहुत सुन लिया. I want to see how अब मैं इसको देखना चाहता हूँ ये कैसा है. Just what he is and how he is. कि ये कौन है, क्या है. He didn't want Jesus to see him. और वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उसे देखे. But he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहते थे. Maybe he wanted to see how Jesus looked like. और हो सकता है देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह दिखते कैसे हैं. And with that desire he came to the place where Jesus was. और उस इच्छा को लेकर वो उस स्थान पर पहुंचे. They were walking in a procession. और यीशु मसीह चल रहे थे. एक बड़ी जुलूस चल रही थी. There were hundreds of people behind. सैकड़ों लोग यीशु के पीछे चल रहे थे. And Zacchaeus came around. जक्कई आया वहां पर. But because he was Nata, लेकिन क्योंकि वो नाटे थे, he could not see Jesus. वो यीशु मसीह को देख नहीं पाए ठीक से. Because he was here, Jesus was up there. He tried his best, you know. Anyone who saw him, heck, get out. और बड़ी भीड़ होने के नाते वो नाटे थे, तो वो यीशु को देख नहीं पाए. Zacchaeus, Zacchaeus is here. Come, come, and then others also will come and join. और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उसको भगाने लगे वहां से. His position was against him. उसका पदवी जो था वो उसके विरोध में the था. The crowd was against him. जो बड़ी भीड़ था वो उनके विरोध में His था. His own size was against him. और उसका खुद का कद जो है वो उसके विरोध में था. How to see Jesus? कैसे यीशु को देखें? Then he looked ahead and he saw a nice tree. फिर आगे देखा उन्होंने कि एक अच्छा पेड़ है. Suddenly he made his plan. फिर उन्होंने अपने योजना को बनाया. This crowd is nasty, bad crowd. ये भीड़ जो है, लोग जो है, बहुत बुरे हैं. I am going to beat them all up. और मैं इनके इनसे आगे निकलूंगा. So he ran ahead of the crowd. So वह इस भीड़ के आगे भाग कर गया. You know these Nata fellows when they run. It is very funny. नाटे लोग जब भागते हैं तो कैसे दिखता है. And he didn't care.
लेकिन उसको कोई परवाह नहीं. Because his desire to see Jesus. लेकिन क्योंकि यीशु को देखने का जो इच्छा उनके अंदर था. He didn't mind people laughing at him. और उसको परवाह नहीं था कि लोग हंसे कुछ भी करें. And it is more funny to see such a fellow climbing a tree. और फिर और भी अजीब लगेगा ऐसा व्यक्ति जो है पेड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है. But he didn't care. लेकिन उसको परवाह नहीं था. And I am sure people must have been looking at this fellow and laughing. अरे what this nut. और लोग हो सकता है इस व्यक्ति को देखकर के हंस रहे हो कि अरे ये क्या करने कोशिश कर रहा है. He climbed. लेकिन उन्होंने पेड़ को चढ़ा. Sitting on the tree. उस पेड़ पर बैठा. Violent faith. मजबूत बलवंत विश्वास. I can do what I desire the most. और जो मैं इच्छा रखता हूं परमेश्वर के लिए मैं उस काम को कर सकता हूं. He overcame every obstacle. हर एक रुकावट के ऊपर उसने विजय को पाया. He sat there. और वहां पर बैठा And इंतजार he was looking down नीचे on देख Jesus. रहा था. But Jesus saw him. Before he ever arrived there. लेकिन इससे पहले कि जकई वहां पर पहुंचा यीशु मसीह ने पहले ही देख लिया था. The Bible says. बाइबल बताती है. He is the beginning and the end. आदि और अंत परमेश्वर है. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Concerning my life. मेरे जीवन के विषय में. He has not only seen my beginning. परमेश्वर ने न केवल मेरे शुरुआत को देखा. At the same time. उसी समय. He also saw my. परमेश्वर ने मेरे अंत को भी देख लिया है. So everything that happens in my life, he has already seen. So इसके बीच में मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है या घटता है परमेश्वर ने पहले ही देख लिया है. I do not know whether I will die before Jesus comes. मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह आने से पहले मैं मरूंगा या नहीं. I don't know. मैं नहीं जानता. But my desire is to be alive when Jesus comes. लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मेरे जीते जीते प्रभु यीशु मसीह आए. It may happen, it may not happen. ऐसा हो सकता है ऐसे नहीं भी हो सकता है. But whatever it is. लेकिन जो कुछ भी हो. Not only he saw when I was conceived in my mother's womb. न सिर्फ यीशु ने देखा उस समय जब मैं अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ. A tiny dot type of size. एक छोटा सा बिंदु के समान. That's all I was. मैं सिर्फ उतना ही था. Growing up in my mother's womb. अपने माँ के गर्भ में फिर बढ़ रहा था. What a marvelous, miraculous. कितना अद्भुत एक चमत्कारी एक बात है. He saw me. परमेश्वर ने मुझे देखा. And at the same time. और उसी समय. He also saw already. Was the last day of my life. परमेश्वर ने यह भी देख लिया कि मेरा जीवन का अंतिम दिन भी कैसा होगा. इसलिए nothing happens as a surprise to God. परमेश्वर के लिए कोई भी बात एक चौंकाने वाली बात नहीं होता है. He already knows. परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानते हैं. What you will go through tomorrow. कल आप किस बात से गुजरेंगे. The tension. जो तनाव होता है. The worry. जो चिंताएं होते हैं. the joy, या फिर कोई आनंद या खुशी the, मिलता है. victory, या कोई विजय आपको प्राप्त होता or है. your temptation, या कोई परीक्षा से गुजरते हो. defeat, फिर आपके जो हार हैं. what you do, आप क्या करते हैं. and what you speak, और आप क्या बोलते हैं. he has already seen it all. परमेश्वर ने वो सारे बातों को पहले से ही देख लिया है. hallelujah, hallelujah. and therefore, और इसलिए. to God, nothing is a surprise. परमेश्वर के लिए कोई भी बात चौंकाएगा नहीं. He knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं. Amen. Amen. And he is in control. और परमेश्वर नियंत्रण में है. I said that this morning again to you to encourage you not to be over anxious or worried when something happens. और इस बात को मैं इसलिए बात करता हूं आपको उत्साहने के लिए और आपको चिंता पहुंचाने के लिए नहीं. If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, take comfort in this. My God has already seen it. इसमें तसल्ली ले कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ देख लिया है. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. And as we leave this place, जबकि हम इस स्थान
को छोड़ते हैं एंड यू फेस दिस वर्ल्ड और इस संसार का सामना करते हैं और यू फेस योर टुमारो या आपके कल को आप सामना करते हैं रिमेंबर दिस इस बात को याद रखें देयर इज अ गॉड हु केयर्स फॉर यू एक परमेश्वर है जो आपका चिंता करता है देयर इज अ गॉड हु अंडरस्टैंड्स एक परमेश्वर है जो आपको समझता है द पेन दैट यू आर गोइंग टू सफर वन ईयर फ्रॉम टुडे और जो जिस दर्द से आप आने वाले एक साल के बाद आप उससे गुजरेंगे He knows all about it. परमेश्वर हर एक बात को जानता है Hallelujah. Hallelujah. And so you can trust him. So आप उस पर भरोसा कर सकते हैं Just be faithful. सिर्फ आप विश्वास योग्य बने रहे Just like Zacchaeus. जकई के समान Overcame all the obstacles. सारे रुकावटों को पार करते हुए That is violent faith. यही बलवंत विश्वास है That's what you have to exercise. और ये इसी विश्वास को आपको अभ्यास करना है. Are you praying for your unsaved husband? क्या आप अपने जो बच्चे नहीं है ऐसे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Or your children? या आपके बच्चे या आपका पति Or your wife? या आपकी पत्नी Or one of your loved ones? या आपके जो प्रियजन है Don't give up. आप हार ना माने You may have been praying For 25 years. हो सकता है पिछले 25 वर्षों से आप प्रार्थना कर रहे हो Don't give up. आप हार ना माने Pray. प्रार्थना करें Trust God. परमेश्वर पर भरोसा Let your करें faith be so violent. आपका विश्वास इतना बलवंत होने पाए Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु That is why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा He does his miracles in response to your faith. परमेश्वर अपने चमत्कारों को आपके विश्वास के परिणाम में That's करता why है very often he said, और इसलिए अक्सर वो कहते हैं According to your faith, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा ही हो yeah. According to your faith, let it happen. तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा ही हो. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. According to your faith. आपके विश्वास के अनुसार. Your faith is even if God does not do anything, I still cling on like Job. और आपका विश्वास ये कहना चाहिए कि चाहे परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी ना करे अय्यूब के समान, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को थामे रहूँगा. In the midst of his pain. अय्यूब के दर्द के बीच में भी इन द मिडस्ट ऑफ हिज अफ्लिक्शन उसके दर्द और कठिनाइयों के मध्य में इन द मिडस्ट ऑफ हिज लूजिंग एवरीथिंग और जब अय्यूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया दैट मींस ही बिकेम अ पॉपर इसका अर्थ यही है कि वो एक भिखारी बन गया फ्रॉम द रिचेस्ट मैन टू द पॉपर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति से लेकर वो सबसे निर्धन भिखारी बन गया इन द मिडस्ट ऑफ इट ऑल और इन सब के मध्य में ही हैड सच अ वायलेंट फेथ इन हिज रिडीमर गॉड अय्यूब के अंदर इतना बलवंत एक विश्वास था अपने छुड़ाने वाला परमेश्वर के ऊपर ही रिफ्यूज To deny God. और उन्होंने परमेश्वर को इनकार करने से मना कर He refused to speak a word against him. और परमेश्वर के विरोध में एक भी शब्द बोलने से मना कर दिया That was his violent faith यही उसका मजबूत विश्वास था You must see that. आपको ये देखना है He said, उन्होंने कहा Even if he slays me, चाहे परमेश्वर मुझे मेरा जान भी ले ले I will still cling on to him. मैं फिर भी उसी को पकड़े रहूंगा Hallelujah. 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 Daniel's faith. दानियल का विश्वास He was put in the lion's den. शेरों के गुफा में उसको डाला गया Lion's faith was so violent. और लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था इवन द लायंस रिफ्यूजेस टू टच हिम शेर ने भी मना कर दिया उसको छूने से द थ्री हिब्रू चिल्ड्रेन जो तीन इब्रानी जो लड़के थे हु वाज पुट इन द फायर इंक्रीज्ड बाय 7 टाइम नॉर्मल दे ऑल थ्री ऑफ देम वेयर पुट इन दैट फायर और जिनको उस आग के भट्टी में डाला गया आग को 7 गुना बढ़ाया गया Their faith was so violent. उनका विश्वास इतना मजबूत था They were ready to go to the fire. वे तैयार थे आग में जाने के लिए That violent faith, ऐसा विश्वास जो है the fire refused to touch. उस आग ने भी मना कर दिया उनको छूने से